नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया करता हूँ। चलिए डायरेक्टली जाते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बुलिश हैमर टाइप का एक कैंडल हमें वीकली चार्ट के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें जो मैक्सिमम जो बाउंस बैक हुआ है दैट इज प्रोबेबली इन द लास्ट वीकेंड, बट अगर आप देखो तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी इज नॉट दैट स्ट्रांग। कल की अगर बात करें फ्राइडे की, तो बैंक निफ्टी वाज अप बाय 247 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1.25%, वेयर एज बैंक निफ्टी इज अप ओनली बाय 0.57%, ओनली 271 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी इज स्टिल नॉट क्रिएटिंग न्यू हाईज, वेयर एज निफ्टी इज क्रिएटिंग न्यू हाईज। सो समवेयर डाउन द लाइन यू नो इफ निफ्टी हैज टू रन फास्टर, बैंक निफ्टी मस्ट सपोर्ट इट, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स है लाइक SBI, like HDFC Bank, they are also the part of Nifty. And somewhere down the line, these stocks are not going as strong as, you know, Nifty would have wanted. तो ये चीज है। अब हम चले जाएंगे डेली चार्ट के अंदर। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो डेली चार्ट के अंदर एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी है। अब निफ्टी में देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी हुई है, काइंड ऑफ मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, बट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, राइट। निफ्टी में ऑफकोर्स अदानी का फैक्टर है विच इज नॉट देयर इन द बैंक निफ्टी, बट मंडे की अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तीन लेवल हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। एक है फ्राइडे का हाई विच इज 47,873, तो यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। फ्राइडे का लो जो हमारे यहाँ बना हुआ है 47,408, तो यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं, और फ्राइडे का क्लोज विच इज 47,709। ये तीन लेवल मैं हमेशा से कहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में मेरे लिए लिख दो। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तीन चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई, क्लोज एंड लो। ओपन एक बार इग्नोर कर दो तो चलेगा, बट ये तीन फैक्टर आपको कंपल्सरीली देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ये तीनों फैक्टर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाई लो एंड क्लोज, ताकि मुझे पता चले आप इस वीडियो को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। चलिए अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से लेवल हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जिसके बेस पे हम मंडे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। सो देखिए, मंडे अगर फ्लैट ओपन होके 47,709 के आसपास ओपन होता है और नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी आना शुरू करता है, तो पहला एक लेवल हम यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे देख सकते हैं जो बनेगा 47,612 के आसपास। आप देखिए तीन चार कैंडल इवन फ्राइडे के दिन ही वहां पे बनी हुई है, तो वो एक हमारे लिए अच्छा क्रूशियल लेवल बन सकता है। और अगर 47,612 ब्रेक करे तो फिर बिग राउंड नंबर थियोरी के हिसाब से फिर हम 47,500 का एक सपोर्ट देखेंगे, और उसके बाद 47,408 जो फ्राइडे का लो बना है, ये तीन लेवल के आसपास हम हमारी बैंक निफ्टी को ट्रेड होते हुए देखेंगे। अगर 47,400 भी ब्रेक करता है नीचे की साइड पे, तो फिर 47,262 का एक लेवल बन रहा है जो अच्छा लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है। उसके बाद 47,131 एंड उसके बाद बट नेचुरली 47,000 का जो बिग राउंड नंबर है उसके आसपास कहीं पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। तो डाउन साइड पे 700 पॉइंट्स का प्रोविजन मैंने रखा है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। सी, मैं ना हमेशा दोनों तरफ लेवल बनाता हूँ, क्योंकि मैं कभी मार्केट को प्रिजुडाइज होकर नहीं देखता हूँ कि चलो कल मार्केट बुलिश है तो मैं सिर्फ ऊपर की लेवल बनाऊंगा, कल मार्केट डाउन है। मेरा हमेशा से व्यू पॉइंट ये रहता है कि ओपन होके यू नो न्यूट्रल नजरिए से मार्केट को देखे कि अगर नीचे जाएगा कहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे। इतना ओपननेस आप में होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, अगर 47,720 से या 709 से ऊपर की तरफ जाता है, बुलिशनेस दिखाता है, तो फिर पहला रेजिस्टेंस, जो पहला स्ट्रॉन्ग हर्डल हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो डायरेक्टली फ्राइडे का हाई के आसपास ही नजर आ रहा है, विच इज 47,873, राइट। ये अपने आप में एक बहुत क्रुशियल लेवल है,
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, हाई भी है और पास में भी इसी लेवल के आसपास काफी बार इसने सस्टेन किया हुआ है। अगर 873 ब्रेक करता है तो फिर 47,934 के आसपास का एक लेवल देखेंगे। फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं है चार्ट में दिखे या ना दिखे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि 48,000 का बिग राउंड नंबर विल डेफिनेटली एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओआई भी वहां पर अच्छा खासा बना हुआ है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा में जाए, और ये निफ्टी का डेटा है, अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा लेके आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि 48,000 के लेवल पे कॉल सेलिंग जो है वो फिलहाल के लिए हाईएस्ट बना हुआ है, तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा ही करेगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बट अगर 48,000 ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो होगा 48,070। 48,070 के बाद आप यहाँ पे 47,250 के आसपास का कोई लेवल प्लान कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा एक बड़ा जंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 47,070 ब्रेक करता है तो ये आएगा 47,250, उसके बाद 380, उसके बाद 380 के बाद जो एक नया लेवल हमें मिल रहा है वो है 448, और उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई के आसपास आप 48,612 के आसपास के लेवल जो है उसको मार्क कर सकते हो। तो ऊपर की साइड पे ये हमारी तैयारी रहेगी, इन लेवल पे आके हम ट्रेड करेंगे। हालांकि ध्यान रखें जिस तरह का मार्केट अभी बन रहा है, थोड़ा निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी अगर माइल्ड हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा बेरिश ट्रेड भी मिल सकता है। इस लेवल के ऊपर ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो डोजी कैंडल बनी है, कोई स्ट्रिक्ट डायरेक्शनल कैंडल इतनी नहीं बनी है, तो दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी 50% के आसपास रखेंगे और रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करेंगे। इन बातों को ध्यान रखोगे, इन लेवल्स को ध्यान में रखोगे, तो डेफिनेटली कल आप मंडे के दिन एक अच्छे ट्रेड और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ जरूर बाहर आ पाओगे। मैं आपको मिलूंगा कल नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।